और प्रियंका गांधी के यूपी दौरे पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने TV9 भारतवर्ष से कहा कि प्रियंका को गलत सूचनाएं दी जा रही हैं। वे अनुभवी नेता हैं लेकिन उनको सूचनाएं गलत दी जा रही हैं। कांग्रेस को जमीनी हकीकत पता नहीं। अगर SP BSP या कांग्रेस मुझसे गठबंधन करे तो 350 सीटों की गारंटी। बड़ी बात उन्होंने ये भी कहा कि ओवैसी मोर्चे में लेकिन उनके साथियों को हिंदू वोट छिटकने का डर है। तो ओम प्रकाश राजभर की पूरी बातचीत सुनिए। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ, उनसे हम बात करते हैं। राजभर साहब, मुझे एक बात बताइए, प्रियंका गांधी इसमें यहाँ पर आई हुई हैं, तो प्रियंका गांधी की जो पॉलिटिक्स है और जो आप देख रहे हैं उसमें आपका क्या विचार है, और क्या ओम प्रकाश राजभर का भी कोई फार्मूला है क्या प्रियंका गांधी की पॉलिटिक्स को लेकर? देखिए, प्रियंका जी एक नेता हैं, अपनी पार्टी के अनुभव है, धरातल पे जो खबर उनको दी जाएगी वही वो जानेंगे। जो उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, जिला अध्यक्ष हों, जो देंगे वही जानते हैं। धरातल पे क्या सच्चाई है वो जानकारी हमारे हिसाब से तो अभी तक नहीं है। वोट कौन सा है हम हमारे साथ आ सकता है, कौन सा वोट हमारे साथ नहीं आ सकता है, कांग्रेस पार्टी इसी पे खाली कवायद कर दे तो फिर कांग्रेस पार्टी को कोई हरा नहीं सकता है। अगर इतना कवायद कर ले कौन सा वोट साथ में आ सकता है तो जीत जाएगी पार्टी, कोई नहीं हरा सकता कांग्रेस को। बताइए, आप ये प्रियंका गांधी के बारे में कह रहे हैं कि अभी भी कांग्रेस रिवाइव कर सकती है, अभी भी कांग्रेस जीत सकती है, फार्मूला क्या है? मतलब ओम प्रकाश राजभर के मुताबिक क्या वो फार्मूला है जिसे कांग्रेस जीत सकती है? कांग्रेस के बड़े नेता हमारे साथ बैठे हैं, उनको फार्मूला दूंगा। एक समय था, मैं एक फार्मूला 2007 में मैं सोनिया जी और राहुल जी से उस समय करीब 30 बार में मिला था। 2007 में हमारा उनका गठबंधन का दौर चल रहा था, तो उस समय अहंकार बोल रहा था उनका। एक बात मैंने उनसे कहा राहुल जी से, तो राहुल जी ने कहा कि गोजर की एक टांग टूट जाएगी तो काऊ नहीं डोलेगा। हमने मजाक में कहा कि जब 3200 टूट जाएगी तब क्या होगा, तब तो चींटी खा जाएगी उसको, कहाँ देखा जाएगा। आज स्थिति आ गई उसकी ना वही, अगर वो बात मान लिए होते तो आज ये दुर्गति नहीं होती। कितनी सीटें आपको लगता है कि कांग्रेस इस हिसाब से लड़ जाए, और कितनी सीटों का आप एक संयोग हो सकता है? कांग्रेस सरकार बना सकती है वो कैसे? वो है फार्मूला हमारे पास है, अब वो हम आपको नहीं बता सकते ना। नहीं, फिर भी आप हमको नहीं बता सकते, लेकिन एक एक आम जनता की उत्सुकता के लिहाज से आपने बहुत बड़ी बात कही, कांग्रेस सरकार बना सकती है, ये आपका एक बड़ा बयान है, तो उसका आधार क्या है, कैसे बना? बसपा को भी कह रहा हूँ, सपा को भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को भी कह रहा हूँ, ये लोग 200 सीट लड़ें, टिकट बांटे अपनी मर्जी से, 200 टिकट हमारी मर्जी से बांट दें, और बता रहा हूं कि 350 के ऊपर सीट जीत जाएंगे, 350 के ऊपर, मतलब 200 अपने लड़ा लें, बाकी 200 पर कैंडिडेट आपका ही होगा। ये हो तो देखिए, डंके की चोट पर कल नेता गांव घूमने नहीं पाएंगे, ये स्थिति होगी। असदुद्दीन ओवैसी के साथ में आपका क्या चल रहा है? आप गए नहीं वहां पर, उसको लेके खबरें आई कि कुछ जो है बीच में दरार पड़ गई है। कोई दरार नहीं है, मोर्चे में ओवैसी जी हैं, रहेंगे, हम लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। और सिंह कुशवाहा ने भी कह दिया कि मोर्चे में नहीं है, उनका समाज कुछ हिंदुत्व का वो ओढ़ा हुआ है चादर, तो उससे उसको वो संतुष्ट करने के लिए बोलते हैं। और संजय सिंह ने भी ये कहा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद की आपकी उनकी मुलाकात ही नहीं हुई थी, आप झूठ फैला रहे हैं। 19 जून का उनका ट्विटर हैंडल खोल लीजिए और देखिए, 4 बार मिला हूँ। तो ऐसा फिर ये सब लोग क्यों कह रहे हैं कि राजभर नेता दो मुहिया साफ होता है, दो मुहिया साफ। और आपकी भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेता हैं सब, और बाबू सिंह कुशवाहा, आम आदमी पार्टी भी को भी आपने साथ की बात कर रहा हूँ। नेता दो मुहिया साफ होता है, दो तरह की भाषा बोलता है, उधर चलना है तो उधर चल देते हैं, इधर चलना हो तो इधर चल देते हैं। ओम प्रकाश राजभर जी हैं अपनी बातें कहते हुए और ये बताते हुए किस तरह से यूपी का राजनीतिक सिनेरियो बदल सकता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।